अनोखी आवाज के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आइए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान है कि दंगों में हुई मौत पर मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं। उत्तर प्रदेश में सीएए को लेकर हुई हिंसा और बवाल में पिछले 6 माह से लेकर अब तक 21 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस हिंसा में 400 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जबकि दंगाइयों और बवालियों की अवैध फायरिंग में कम से कम 61 जवानों को गोलियां और छर्रे लगे हैं। जितने भी लोगों की मौतें हुई हैं, उनमें से किसी को भी पुलिसकर्मी की गोली नहीं लगी है, बल्कि बवालियों की फायरिंग में ही दंगाइयों की मौत हुई है। यह जानकारी सदन में सीएम आदित्यनाथ ने लिखित में दी है। सरकार ने दावा किया है कि आकस्मिक बवाल और दंगों में हुई मौत पर किसी भी तरह का मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए मृत परिजनों को कोई भी सहायता राशि सरकार की तरफ से नहीं दी जाएगी। शाहीनबाग मामले में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। शाहीनबाग में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पिछले 2 माह से ज्यादा दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर आज एक बार फिर सुनवाई हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन करना वाजिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय कर दी है। वहीं राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, जहां बारातियों से भरी बस नदी में जा गिरी। राजस्थान के बूंदी जिले में पापड़ी गांव के पास आज सुबह बारातियों से भरी एक बस नदी में जा गिरी, जिसके चलते कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त बस स्पीड काफी तेज थी, जिसके चलते मेज नदी के पुल पर बस अनियंत्रित होकर पानी में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक बस में 28 लोग सवार थे। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को लेकर। तब तक आप देखते रहिए अनोखी आवाज़ न्यूज़।